भागलपुर सनोखर थाना क्षेत्र के तेलंदा गांव की रहने वाली 70 वर्षीय महिला महारानी देवी की गांव के दमंग के द्वारा निर्वस्त्र कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई और सबको गड्ढा खान कर उसमें डालकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन गांव वालों को घटना की खबर हो गई जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि महिला कल दोपहर गांव से निकली थी और खेत में देखी गई, जिस पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि माताजी धूप बहुत है, आप घर चले जाएं, लेकिन वह वहीं बैठ गई। वहां से कुछ दूरी पर ही केशव मंडल और लालू मंडल का जेसीबी चल रहा था और उससे कुछ दूरी पर ही महिला का शव निर्वस्त्र अवस्था में पाया गया। परिजनों का कहना है कि महिला पेंशनधारी थी और केशव मंडल, लालू मंडल और उदय मंडल के द्वारा उनकी पीट पीट कर हत्या की गई है। वहीं परिजन यह भी बता रहे हैं कि कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। वहीं हत्या करने वाले लोग पहले से अपराधी हैं और कई मामला भी इन पर दर्ज है। फिलहाल पुलिस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्णिया जिले के बड़ाड़ा कोठी थाना क्षेत्र के गोपीनगर परसा गांव के रहने वाले अर्जुन शाह की साला और साढ़ू के द्वारा दबिया से मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारों ने 7 जून को दबिया से प्रहार कर अर्जुन शाह को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया। बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पहले से चले आ रहे जमीन विवाद के कारण साला और साढ़ू के द्वारा दबिया से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बड़ाड़ा कोठी थाना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 पहिया वाहन लेना हर किसी के जीवन का सपना होता है। हालांकि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी सालों की कमाई महज एक सपना के पीछे झोंक देता है। अमूमन 4 पहिया वाहन की कीमत काफ़ी अधिक होने के कारण कुछ लोग तो मन महसूस कर ही रह जाते हैं, लेकिन अब 4 व्हीलर खरीदना कहीं ना कहीं आसान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बुधवार को भागलपुर के अलीगंज स्थित प्रकाश टोयोटा शोरूम में नई गाड़ी लॉन्च की गई। संचालक प्रकाश कुमार ने बताया कि टोयोटा द्वारा निर्मित यह कार काफ़ी किफ़ायती है, जिसकी कीमत महज 13 लाख रुपये है, जिसे 0 डाउन पेमेंट पर भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने गाड़ी की फीचर के बारे में बताया कि आज अमूमन मध्यम वर्ग के लोग कम दाम में 4 पहिया वाहन खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती कीमत के कारण कहीं ना कहीं इसे खरीद पाना लोगों के लिए एक चुनौती का विषय है, जिसको देखते हुए टोयोटा ने बड़ी पहल के साथ यह प्रयास करने की कोशिश की है कि मध्यम वर्ग के लोग भी 4 पहिया वाहन पर चढ़ सके। उन्होंने बताया कि गाड़ी फुल डीजल इंजन है और इसे सीएनजी के द्वारा भी चलाया जा सकेगा। वहीं गाड़ी में सुरक्षा उपकरण के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, जबकि माइलेज के मामले में भी यह गाड़ी काफ़ी फायदेमंद साबित होने जा रही है। मौके पर टोयोटा कंपनी के कई वरिष्ठ कर्मचारी एवं बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। बिहार के भागलपुर में बुधवार को महिंद्रा पावर ऑल के द्वारा शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CPCB4 डीजल जेनसेट लॉन्च किया गया। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड ने CPCB4 जेनसेट का निर्माण 10 किलोवाट से 320 किलोवाट तक झारखंड के रांची प्लांट में किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन इंजनों को चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है और पुणे एवं नागपुर में इसके संयंत्र निर्मित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि CPCB4+ की यह नई रेंज महिंद्रा पावरऑल का नवीनतम संयोजन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह जेनसेट तकनीकी रूप से उन्नत CRDI इंजन से सुसज्जित है।
CRDI इंजन बेहतर और उन्नत कॉमन रेल डीजल इंजन तकनीक से संचालित होते हैं। उन्होंने बताया कि CRDE तकनीक भविष्य के लिए तैयार है और यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। आज सीमांचल के भागलपुर जिले में हम लोग महिंद्रा पावर ऑल के CPCV4 जनरेटर का लॉन्चिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसको सम्मिलित रूप से महिंद्रा पावर ऑल, शारदा डीजल्स प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ लोकल के आपके अधिकृत विक्रेता एग्रो पावर इक्विपमेंट के प्रणीत कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। इस जनरेटर को लॉन्च करने का जो मकसद है वो है कि प्रदूषण मानक को सरकार के द्वारा बदला गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नया प्रदूषण का प्रमाणक निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप हम लोगों ने इस जनरेटर को डिजाइन किया है और अब सारी मैन्युफैक्चरर जो है, सारी कंपनियों की जनरेटर CPCV4 मानक को मानते हुए 1 जुलाई से वही मार्केट में बिक्री करेगी, बाजार में उसी का उपलब्धता रहेगी। इससे प्रदूषण नहीं होगा? इससे प्रदूषण होगा बट अभी जो वर्तमान में जो जनरेटर चल रहे हैं उससे 90% तक कम होगा। जो प्रदूषण के प्रमुख कारक थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉक्स गैसेज जिनको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर, इसको आफ्टर ट्रीटमेंट के द्वारा जो कम जले हुए या अनबर्न्ड डीजल्स थे जो वातावरण में जाते थे और प्रदूषण को फैलाते थे, उसको आफ्टर ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ कुछ इक्विपमेंट जो लगाया गया है कि उसको कैसे और रिफाइन किया जाए। आखिर चलेगा तो इसमें डीजल ही ना? जी बिल्कुल, डीजल के द्वारा ही चलेगा। महिंद्रा के अलावा भी तो कंपनी होगी जिसके पास में जो है। हाँ, प्रतिस्पर्धा तो कंपटीशन का भी दौर है। जी बिल्कुल, तो क्यों लोग जो है महिंद्रा को ही? तो महिंद्रा को एक तो प्रमुख ब्रांड है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा क्या है कि इसके स्पेयर पार्ट्स हर एक जगह उपलब्ध हैं और दूसरों की कंपैरिजन अगर करें तो उससे थोड़ा सस्ता है। सर्विस का इसका नेटवर्क इतना अच्छे से फैला हुआ है कि हम तुरंत ही समस्या का समाधान करते हैं। हमारे पास कंप्लेन आता है और हम उसको जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्राइसिंग, इसका मॉडल और प्राइसिंग बताइए। ये 10 kVA से 320 kVA तक शारदा डीजल के प्लांट में बनाया जाता है और इसका प्राइसिंग 5 लाख से लेकर के 55 लाख तक के रेंज में है। दूसरी सुविधा यह है महिंद्रा को लेकर के कि महिंद्रा का जनरेटर आसान किस्तों पर भी बाजार में उपलब्ध है। महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा सभी कस्टमर्स को आसानी से लोन मिल सकता है। क्या इसका जो किस्त होगा, इसका कोई डाउन पेमेंट है? जी, जनरेटर का डाउन पेमेंट अगर नॉर्मली देखेंगे तो 30% रहता है और 70% तक लोन होता है। हाँ, मतलब 1 जुलाई से बिकना शुरू हो जाएगा? हाँ, भागलपुर के मार्केट में 1 जुलाई से बिकना चालू हो जाएगा। अभी उत्पाद हमारे प्रदर्शन के लिए नीचे उपस्थित भी है, दिखाया भी गया है। बिहार में किसकी?